अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में चल रही जुए सट्टे की फड़ पर पुलिस ने देर रात दबिश देते हुए कार्रवाई की। इस दौरान 9 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6,41,910 रुपए की रकम भी जब्त की है। मामले की जानकारी देते हुए अजमेर SP चुनाराम जाट ने बताया कि रात्रि में अलवरगढ़ थाना क्षेत्र के नगरे में स्थित सटोरी धर्मेंद्र उर्फ धर्मो के मकान में अवैध रूप से जुआ और सट्टा खेला जा रहा था। पुलिस ने इस शिकायत के बाद एडिशनल SP और डिप्टी के सुपरविजन में टीम का गठन किया और मौके पर दबिश देते हुए 9 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। इन सभी जुआरियों से लाखों रुपए की रकम भी मौके पर जब्त की गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही इसमें दोषी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता को जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल लगभग रात को 12 बजे के आसपास मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई थी कि अलवरगेट थाना इलाके के अंदर जुआ है, वो चल रहा है। इसके सूचना के आधार पे हमने जो हमारी स्पेशल टीम के सिपाही हैं और लाइन से शिविर में जाता बुला करके और इसके अतिरिक्त जो CO ग्रामीण और एडिशनल SP ग्रामीण और अलवरगेट SHO को भेज करके कार्रवाई करवाई गई। इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में रकम प्राप्त हुई है। अब इसमें किसकी लापरवाही रही है उसके खिलाफ में विभागीय जांच है, वो शुरू कर रहे हैं। सर, ये जो धर्मो सटोरी है पहले भी बड़े ऐसे जुए वगैरह चलाता है, बार बार चलाता रहता है, तो क्या ऐसा कैसे बार बार? हमें सूचना मिली है कि इसने 2-3 दिन से ही ये वापिस शुरू किया था और सूचना के आधार पर हमारी टीम ने कार्रवाई की है और अब इसमें किसकी लिप्तता है उसके लिए हम एडिशनल SP सिटी से जांच करवा रहे हैं।